आज मैं बना रही हूँ मिर्ची का तेल यानी कि चिली ऑयल। इसके लिए मैं एक कप के बराबर सरसों का तेल ले रही हूँ। आप चाहे तो कोकोनट, नारियल का तेल, जैतून का तेल, कोई भी आपको अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तकरीबन मैं इसमें एक कप तेल लिया है और एक मुट्ठी के बराबर मैं इसमें सुरख मिर्ची डालूंगी। आंच स्लो करके इसको इनको जलाना नहीं है, इनको सिर्फ कलर चेंज होने तक पकाना। मैंने छोटी गोल वाली साबुत सुरख मिर्चें ली है, आप चाहे तो लंबी वाली अगर अवेलेबल हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये मिर्चों का जो तेल है इतना कॉमन तो नहीं है इस्तेमाल में, लेकिन इसके बहुत से फायदे हैं अगर आप इसको इस्तेमाल करने शुरू करें। जिन अफराद के बाल बहुत गिरते हैं या वक्त से पहले सफ़ेदी उनमें उतर रही है, उसके अलावा बहुत बारीक है, तो ये उसके लिए बहुत बेहतरीन देसी टोटका है। आपने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर आप किसी भी दूसरे तेल में मिक्स करके तो अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है इसको 1 टेबल स्पून आप अपने सिर की जड़ों में अप्लाई कर सकते हैं और 30 मिनट के बाद अपना सिर धो सकते हैं। बहुत जल्दी आपके बाल उगना शुरू हो जाएंगे और जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो अभी जो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रिवेंट करेगा कि आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद होने बंद हो जाए। अभी मिर्चों का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर ये तेल तैयार हो जाता है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, तो अभी इसका चूल्हा बंद कर देंगे और जब ठंडा होगा तो इसको किसी भी शीशे की बोतल में स्टोर कर देंगे। तेल नॉर्मल हो चुका है तो अभी मैं इसको फनल के जरिए शीशे के जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसको छान लेना है। और थोड़े से जो सीड होंगे और थोड़ी सी मिर्चें जो है वो इसमें मैं वापस डाल दूंगी ताकि इसका जो असर है वो आहिस्ता आहिस्ता तेल में मज़ीद आता रहे। इसका कलर जो है वो सुरख हो चुका है, तो सीड और जो मिर्ची है मैं उसमें थोड़ी सी डाल दूंगी। बहुत थोड़े से, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। बहुत आसानी से बन जाने वाला आसान सा एक तेल है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको फ़ायदा देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।